मैथ्स में कितनी ताकत है, चक्रवृद्धि ब्याज में कितनी ताकत है ना, और गुणा में कितनी ताकत है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको देना चाहूंगा। एक बार एक राजा था जिसको अपनी धन अपनी संपत्ति का बहुत घमंड था, है ना। उसको लगता था कि पूरे देश में पूरी पृथ्वी पर जितना धन मेरे पास है, जितना जितनी संपदा, जितना अनाज, जितना भंडार मेरे पास है, वो किसी के पास नहीं है, और कोई मुझसे कुछ भी मांग ले मैं उसको खाली हाथ जाने ही नहीं दूंगा, बहुत घमंड था। एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा, गणित में वो एक्सपर्ट था, तो वो राजा के पास गया। राजा उस समय शतरंज ही कोइंसिडेंटली खेल रहा था। उसने कहा, महाराज मुझे आपसे कुछ चाहिए। महाराज बहुत दानी था, काफी घमंड था अपनी संपत्ति, अपने अनाज, अपने भंडार पर। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मुझे ये जो आप चेस बोर्ड है ना, जो शतरंज का बोर्ड बना हुआ है, मुझे इसके हिसाब से कुछ चावल के दाने चाहिए। तो महाराज ने कहा, यार इतनी सी बात है, बोल कितने चाहिए, जितना चावल तुझे लगेगा, 10 साल का अनाज चाहिए, 20 साल का अनाज चाहिए तेरे परिवार के लिए, बता कितने साल का अनाज चाहिए, मैं दूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस आप हर एक बॉक्स पे पिछले बॉक्स की तुलना में दुगने अनाज, दुगने चावल के दाने रखते जाना। मान लीजिए यहां पे आपने एक दाना रखा, तो महाराज यहां 2 रख देना, यहां 4 रख देना, यहां 8 रख देना, यहां 16 रख देना, यहां 32 रख देना, यहां 64 रख देना, यहां 128 रख देना, और बस महाराज ऐसा करते करते मुझे ये जो 64th बॉक्स है, इस पर जितने अनाज के दाने आए इतने सब मुझे इकट्ठा करके दे देना। ठीक है, महाराज गणित में कच्चा था, ठीक है, लेकिन उस वहीं साइड में एक मंत्री खड़ा था, उसने कहा, महाराज ये एक्सेप्ट मत करना, मर जाओगे तुम, अपने पास इतना अनाज नहीं है। तो महाराज तो भाई घमंड में था, अरे बोले इतनी सी बात, बस इतना ही चाहिए। मंत्रियों, जो 64वें बॉक्स पे जितने चावल के दाने आ जाएं, वो सब इकट्ठा करके इस व्यक्ति को दे दो, और इसको बताओ कि इसने किससे टक्कर ली है। ज्यादा आगे नहीं बढ़े, वो केवल 30-40 बॉक्स तक बढ़े, और उसके सिपाही दौड़ते हुए आए, बोले महाराज पूरे राज्य में भी अगर चावल के दाने इकट्ठे करेंगे ना, तो इतने चावल के दाने नहीं मिलेंगे जितने ये इंसान मांग रहा है। महाराज ने कहा, क्या बात कर दी, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर महाराज को उन्होंने गणित सिखाया, और वो गणित आपके काम का है। यहां पर क्या होता है भाई, शुरुआत में लगता है कि एक, एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। आप भी अभी ज्यादा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे क्या होगा यार, 64 बॉक्स पे कितने आएंगे ऐसे। ठीक है, आप अगर यहां ध्यान से देखें तो ये 2, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, ऐसे करते करते अगर मान लीजिए यहां पे हम 64वें बॉक्स पे देखें, थोड़ी देर के लिए हम माने कि 2 की घात अगर यहां 64 भी आ जाए, ठीक है, आपको अंदाजा नहीं है कि 2 की पावर 64, 2 की घात 64 कितनी बड़ी संख्या होती है। मैं आपको अब वो दिखाता हूं, ये पढ़ो। अब आप चावल के भुगतान की घातीय वृद्धि के बाद राजा को जल्दी एहसास हुआ कि अपना वादा पूरा करने में वह असमर्थ था, क्योंकि 20 वर्ग में ही राजा को 10 लाख चावल के दाने डालने पड़े। 64वें वर्ग में, ये देखिए सबसे खतरनाक, 64वें बॉक्स पे उस राजा को इतने चावल के दाने चाहिए। अगर पूरे शतरंज के सभी खानों पर रखे गए चावल के दाने को जोड़ा जाएगा ना, तो लगभग इतने चावल के दाने लगेंगे। इसलिए कभी मैथ्स को अंडर एस्टिमेट मत करना, मैथ्स में लगाना दिमाग। ये लगभग 210 बिलियन टन, अब आप खुद कैलकुलेट करना अपने मन से, 210 बिलियन टन कितना होता है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि उस व्यक्ति ने जितने चावल मांगे ना, वो चावल किसके बराबर है, पूरे भारत पर 1 मीटर मोटी परत से पूरे भारत को ढका जा सकता है, इतना चावल होता है अगर 2 की पावर 64 तक कोई चला गया तो। समझ में आ रही है बात, 2 की घात 64 करते करते अगर जाओगे तो पूरे शतरंज के बोर्ड पे अगर कैलकुलेट करोगे और सारे चावल के दाने को इकट्ठे करोगे, तो पूरे भारत देश को 1 मीटर चावल की मोटी परत से ढकने के लिए जितना चावल लगेगा ना, इतना चावल आएगा, इतने दाने आएंगे, जो कैलकुलेशन होगे इतना भारी भरकम अनाज के रूप में प्राप्त होगा।
तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट, या इसको बोलते हैं क्रमिक जो वृद्धि होती है ना, मल्टीपल में जो ग्रोथ होती है, 2, 4, 8, 16, 32 बढ़ते बढ़ते इतना भयंकर हो जाता है कि परिणाम आपके सामने है, इतनी बड़ी संख्या में जो है चीजें बनती हैं, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हर विद्यार्थी को ये पता होना चाहिए कि मैथ्स में कितनी ताकत है।